और यूपी निकाय चुनाव की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में धांधली का सीधा आरोप लगाया और अखिलेश यादव ने पत्रकारों से इसको लेकर के अपने दिल की बात कही है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा है कि खुलेआम गड़बड़ी हो रही है और इसकी शिकायतें हम लगातार कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पार्टी लगातार शिकायत कर रही है लेकिन कोई भी एक्शन न चुनाव आयोग की ओर से और न ही प्रशासन की ओर से लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने खुद पुलिस कप्तान को फोन किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं पर बूथ कैप्चरिंग का सीधा आरोप लगाया है। सपा चीफ ने चुनाव आयोग से एक्शन की मांग भी की है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। समय हम लोग आप लोग मिल रहे हैं, सुबह से सूचना मिल रही है और जगह जगह शिकायतें की जा रही है हमारे पार्टी के ट्विटर हैंडल और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के माध्यम से। लगातार सूचना इलेक्शन कमीशन को, सरकार को, जिम्मेदार लोगों ने जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के लोग मिलकर के लूट कर रहे हैं। बगल का जिला है मैनपुरी, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से हारी है, जो कल्पना नहीं कर सकते थे। तब जब प्रशासन ने दबाव बनाया, शासन की मर्जी के हिसाब से जो कर सकते थे वो करा उन्होंने। बीजेपी के लोग खुलेआम कानून अपने हाथ में ले लिया उन्होंने, उसके बावजूद भी मैनपुरी में हारे। अभी सूचना मिली है क्या, कृष्णा नगर वार्ड नंबर 25, बूथ नंबर 96, 97, 98, 99, इसमें खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए हैं और बूथ कैप्चर कर रहे हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 21, 80, 81, 82, 83, ये तीनों में पूरा बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद वार्ड नंबर 27, 104, 105, 106, 107, 108, और अभी मैंने आपके आने से पहले पुलिस कप्तान से बात की और कहा कि किस तरीके से ये बेईमानी और किस तरीके से बूथ की लूट चल रही है। ये मैनपुरी जिले का फतेहपुर की दी है, आगरा में पता नहीं कहां से वो ऐसी बीजेपी ने इंक लाने का काम किया है, जहां पर अगर आप वोट डाल के आ रहे हैं और आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हो, दोबारा वोट डालने चले जाओ। इससे पहले फिरोजाबाद का मैंने वीडियो आपको अपने ट्विटर हैंडल से किया था ट्वीट, कि जहां पर पैसे लेकर के वोट के इंतजाम किया जा रहा था। तो जगह जगह से सूचना मिल रही है, हमें उम्मीद है आपके माध्यम से जानकारी शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कम से कम निष्पक्ष वोट पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान, जो हमें लोकतंत्र में अधिकार दिए, उन अधिकारों को बचाया जा सकता है। जहां तक हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा कुंडली को लेकर के, भाई अगर हमारी कुंडली देख रहे हो तो उन्हीं से अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गए आप? इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है, बस यही